देन एपिसोड 5 की शुरुआत होती है भाई साहब। शुरुआत में ही ड्रैगन स्टोन पर दुख का माहौल देखने को मिलता है और किंग्स लैंडिंग पर जीत की खुशी मनाई जाए। एंड एक बार फिर ह्यू हैमर देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ हुआ नहीं इस एपिसोड। किंग्स लैंडिंग पर अब डिप्लोमेसी चेंज हो चुकी, एमंड के सत्ता दे दी जाती है क्योंकि अब यहाँ पर सनफायर और एगॉन जो एपिसोड 4 में रूक्सरस की लड़ाई में सनफायर मारा जा चुका है और किंग एगॉन काफ़ी घायल हो चुका है क्योंकि वेगार ने मतलब एमंड ने वेगार से दोनों के ऊपर यानी मैलीज और सनफायर के ऊपर ड्रैकेरिस कर दिया था, जिस वजह से भाई मैलीज तो फास्टर थी, दैट्स व्हाई कि वो उस आग से नहीं झुलस पाई, लेकिन हाँ सनफायर और एगॉन उस आग में झुलस गया था, दैट्स व्हाई कि भाई एगॉन अब पूरी तरीके से जल चुका है और वो अब सत्ता गद्दी पे बैठने लायक नहीं बचा है। तो एमंड के हत्ते अब वो सत्ता चढ़ चुकी है और यहाँ से उसने पूरी पॉलिटिक्स चेंज कर डाला। अब वो सिर्फ वॉर चाहता है आफ्टर द रूक, क्योंकि जीत की खुशी भी है भाई, यहाँ पर अच्छी खासी जीत उन्हें मिली है, एक तरफा जीत मिली है। बड़े ड्रैगन जो उसकी तरफ से था, ब्लैक्स की तरफ से मैल जो ही सिर्फ खतरे की घंटी थी भाई, उसको उन्होंने उखाड़ फेंक दिया है। तो वो हैरन हॉल पर अब चढ़ाई करना चाहता है ताकि हैरन हॉल यानी रिवरलैंड का पूरा जो एरिया है हमारे पास आ जाए, और उसे मालूम है कि डैमन वहाँ, और डैमन ही है एक जो लकड़ी जिसे अब हम तोड़ सकते हैं और उसके बाद फिर ब्लैक्स हम आसानी से हरा देंगे ब्लैक्स को, डैमन। तो हैरन हॉल की तरफ चढ़ाई कर देते हैं। उधर ड्रैगन स्टोन पर रेनीरा आफ्टर लूज ऑफ मैलीज एंड रेनीज काफ़ी कमजोर दिख रही है। कॉलिस वलेरियन अपनी बीवी के मरने से काफ़ी अकेला हो चुका और गम में डूबा डूबा सा है। उधर जेस अपनी समझदारी से भाई साहब जो ब्लैक्स की तरफ को खींच के ले आता है, और इस एपिसोड में जैकेरिस वलेरियन का भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। लास्ट में अपनी माँ रेनीरा को एक माइंड ब्लोइंग आइडिया देता है, हमारे पास ड्रैगन्स ज़्यादा हैं पर हमारे पास आर्मी स्ट्रांग नहीं है, तो हमें राइडर ढूंढने चाहिए और बास्टर्ड राइडर ढूंढने चाहिए, जो काफ़ी हद तक गेम चेंजिंग मोमेंट्स था इस वॉर को पलटने के लिए, क्योंकि ब्लैक्स अभी फुल कमज़ोर हैं और जैसे ही उनको राइडर मिल जाते हैं आगे जाके एपिसोड्स में वो भी बताऊँगा, तो पूरी कहानी यहाँ चेंज होने वाली है। ग्रीन्स फुल कमज़ोर होने वाले हैं, तो भाई ये टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है फॉर द ब्लैक्स और डिमोलिशन पॉइंट देखने को मिलता है ग्रीन्स का। भाई साहब एपिसोड 6 की शुरुआत होती है और ये काफ़ी खास एपिसोड था क्योंकि इसमें ब्लैक्स की बाबा किस्मत पूरी पलटने वाली है। किंग्स लैंडिंग पर अब कुछ खास नहीं चल रहा है, बस वही सिंपल डिप्लोमेसी एंड वगैरह वगैरह चल रहा है कि मतलब कौन सी आर्मी कहाँ भेजनी है और किसके लिए क्या करना है। टाइलैंड लैनिस्टर को ट्रायार्की से मदद मांगने के लिए भेज दिया गया, कोल को हैरन हॉल की तरफ भेज दिया गया है, लेकिन ड्रैगन स्टोन पर भाई मामला अब अलग चल रहा है। सी स्मोक के लिए राइडर ढूंढा जा रहा है, जहां सर स्टेफन डार्कलिन फर्स्ट चॉइस थी, उसकी नानी कभी टारगेरियन फैमिली से रही होगी, लेकिन सी स्मोक उसे जला देता है भाई सब, वो उसे चूज नहीं करता है। और ड्रैगन की एक खास बात यहां पर पता चल कि भाई ड्रैगन सिर्फ बहादुर लोगों को जो उससे ना डरे और मतलब दमदार बंदा होना चाहिए, तब जाके वो उसे अपना राइडर चुनता है। देन वो उसके कुछ समय बाद भाई साहब चुनता है एडम ऑफ हल को, और यहाँ भी होगा आपका दिमाग खराब कि बाबा ये न्यू एंट्री कौन है, ये एडम ऑफ हल कौन है जो टारगेरियन के अलावा राइडर बन चुका है। तो ये है बेटा कॉर्लिस वलेरियन का, जिसके रगों में वलारियन खून दौड़ रहा है, और सी स्मोक का पहला राइडर था लेनार वलेरियन, जिसका बाप भी कॉर्लिस वलेरियन। तो सी स्मोक की तरफ से वो वाइब मैच कर लेना, क्योंकि दोनों के रगों में खून तो एक ही का दौड़ रहा है कॉर्लिस वलेरियन का, दैट्स व्हाई कि सी स्मोक ने एडम ऑफ हल को चुन लिया। बाबा एपिसोड 7 की शुरुआत होती है और ये सेकंड लास्ट एपिसोड जिसने हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 की पूरी काया ही पलट दी। किंग्स लैंडिंग पर सेम भाई साहब, नो इम्प्रूवमेंट, वही डिप्लोमेसी वगैरह चल रही है, आर्मी को तैयार करा जा रहा है, लेकिन हाँ जनता काफ़ी नाराज हो चुकी है किंग्स लैंडिंग की, क्योंकि भुखमरी से लोग अब परेशान हो चुके हैं, मर रहे हैं, दैट्स वाई कि रनीरा ने यहाँ पर जबरदस्त गेम खेली। जितने भी बास्टर्ड्स हैं उनको तो उसने बुलाया, लेकिन रनीरा ने भाई साहब उनके लिए वहाँ पर खाना वाना भी भिजवाया और वहाँ पर कानाफूसी कराई कि ये मतलब भड़काया, लोगों को भड़काया जा रहा है रनीरा की तरफ से कि किंग्स लैंडिंग के जो भी उनके राजा वगैरह हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको बिट्रे करना चाहिए, उनके खिलाफ उन्हें आंदोलन करना चाहिए। और रनीरा ने इसके साथ भी जबरदस्त गेम ये खेला कि जितने भी बास्टर्ड्स हैं सबको ड्रैगन स्टोन पर आमंत्रित किया जाता है, आप आओ हमारे पास ड्रैगन है, हमें राइडर की जरूरत है, और जो भी वर्दी होगा ड्रैगन के लिए वो अपना राइडर चुन लेगा। लेकिन दूसरी तरफ भाई हैरन हॉल पर डैमन भी जबरदस्त रिवरमैंस की अब स्ट्रॉन्ग आर्मी को फॉर्म कर चुका है, जहां ब्लैकवुड्स और ब्रैकन सब दोनों ही उसकी तरफ आ चुके हैं, लेकिन बाबा ड्रैगन स्टोन पर कहानी पूरी पलट चुकी है। वर्मिथोर और सिल्वर विंग क्लेम कर लिए गए हैं ह्यू हैमर और अल्फ द वाइट के द्वारा, जो दोनों बास्टर्ड्स हैं, जिसमें से वर्मिथोर ने बहुत तबाही मचाई, बाकी के जो बास्टर्ड्स थे भाई साहब सबको आधों को जला डाला, आधों को खा गया। एंड नाउ लास्ट में हमें वेगार और एमंड की दुखती रख पर हाथ रखते हुए अल्फ द वाइट, जो थोड़ा सा बेवकूफ़ टाइप का राइडर है, बास्टर्ड है, जो किंग सिल्वर विंग का राइडर है, किंग्स लैंडिंग के ऊपर सिल्वर विंग को दौड़ा देता है और
एमंड को बुरी तरीके से जलील करता है कि तेरे किंग्स लैंडिंग पर मूत दिया हमने, और जस्ट ड्रैगन स्टोन पर पहुंच जाता है, लेकिन पीछे से एमंड भी उसे चेज करता है और जस्ट मरते मरते बचा हुआ उस दिन, क्योंकि यहाँ पर सामने रनीरा अपने 3 ड्रैगन के साथ खड़ी थी, वर्मिथोर, सिल्वर विंग और साइरेक्स, और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। देन उसके बाद एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एंड दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल एपिसोड। और बाबा ये बहुत बहुत कुछ चेंज करके गया है, जितनी प्लॉटिंग अभी सारे एपिसोड्स में हुई थी उससे ज़्यादा स्टोरी प्लॉटिंग स्टोरी बिल्डअप इस एपिसोड में देखने को मिला है और जल्दी जल्दी देखने को मिला है। थोड़ा सा दुख भी हुआ कि भाई मतलब इतने समय से हम वेट कर रहे थे, महीने भर से वेट कर रहे थे कि एक ड्रैगन वॉर हमें अच्छे से देखने को मिल जाए और वो भी देखने को नहीं मिली एट लास्ट, तो गुस्सा भी था। लेकिन बहुत कुछ रोमांचक चीज़ देखे भी गया है क्योंकि सीजन 3 के लिए इतना एक्साइटमेंट चीज़ें जनरेट करके गया है कि बहुत से की पॉइंट्स, बहुत सी वॉर सिचुएशंस होने वाली हैं, क्योंकि एक वॉर नहीं चार चार जगह पर वॉर होने वाली है। स्पॉइलर है, बैटल ऑफ गलट की वॉर देखने को मिलने वाली है, बैटल ऑफ बुचर्स वॉर देखने को मिलने वाली है, बैटल्स बाय द लेक सोर देखने को मिलने वाली है एंड बैटल एट द रेड फॉग देखने को मिलने वाली है। ये चार बैटल हमें सीजन 3 पे देखने को मिलने वाली हैं और बहुत ब्लडी बैटल होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किंग्स लैंडिंग पर अब फुल टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है एपिसोड 8 में, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि भाई साहब ब्लैक्स के पास अब ड्रैगन्स हो चुके हैं, 7 क्लेम्ड ड्रैगन हैं और क्यों ना फटेगी भाई, क्योंकि उनके पास ग्रीन्स के पास सिर्फ एक ही ड्रैगन है और एमंड फुल अकेला पड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर हलीना ने भी उसको साफ साफ मना कर दिया कि वो ड्रीम फायर को अब नहीं उड़ाएगी। उल्टा एमंड और दोनों के बीच में नोकझोंक देखने को मिलती है। सी लुक्स लाइक 3-eyed रेवन जिसने फ्यूचर देख लिया है, विजन उसकी स्ट्रांग हो चुकी है और एमंड के मुंह पे ही उसने बोल दिया कि भाई साहब तू गॉड्स आई पर मरने वाला है क्योंकि तूने काफ़ी पाप कर लिया है, तेरे पाप का घड़ा भर चुका। दूसरी तरफ डैमन ने भी भाई फ्यूचर देखा गॉड्स वुड पर हाथ रख के, जहां उसने ब्रैंडन रिवर्स को देखने का मिला जो फर्स्ट 3-eyed रेवन कहा जाता है, जिसे ब्लड रेवन भी कहा जाता है, और वो कोई और नहीं होगा डेमन का ही ग्रेट ग्रैंड सन होगा, परपोता यानी एगॉन 4 की औलाद जो एगॉन 3 की से पैदा हो। आगे जाके उसके विजन में व्हाइट वॉकर भी देखने को मिलते हैं, देन उसके बाद डेनेरिस विद 3 eggs एंड 3 children भी देखने को मिलती है, मतलब वो सब कुछ जो गेम ऑफ थ्रोन्स में हुआ था वो सब एक झलकी में उसे देखने को मिल गया। देन खून का नंगा नाच भाई साहब, लाशें मरी कटी पड़ी हैं, खून की नदी बह रही है, देन उसके बाद वो सडनली देन उसके बाद उसे विसेरिन ड्रैगन मरा हुआ दिखता है। विसेरिन 3rd child ऑफ डेनेरिस टारगेरियन, जिसे नाइट किंग ने अपने हथियार से मार गिराया था, अगर किसी को याद है गेम ऑफ थ्रोन्स में, तो वो वाला ड्रैगन मरा हुआ देखने को मिलता है। देन उसके बाद वो पानी में गिर जाता है, डूब जाता है और हो ना हो वो गॉड्स आई लेक ही होगी जिसमें डैमन भी मरने वाला है, जो पहले ही जो वहाँ पर हैरन हॉल की विच है, एलिस रिवर है आई डोंट नो हर स्ट्रांगली, तुम बता देना अगर क्या है। एंड एट लास्ट भाई रनीरा थ्रोन में उसे बैठी दिखती है और जस्ट पीछे हेलिना भी उसके विजन में आ जाती है। एंड देन डैमन रियलाइज करता है कि टारगेरियन और वेस्ट्रोस का अगर नाश बचाना है तो रेनीरा को ही क्वीन बनाना पड़ेगा। और देन उसके बाद भाई साहब हमें रेनीरा और डैमन का रियूनियन देखने को मिलता है एंड दैट फकिंग मोमेंट टेक्स माई हार्ट्स आउट, और डैमन भी भाई अगेन रेनीरा को एज क्वीन एक्सेप्ट करता है और रिवरलैंड की फुल पावरफुल आर्मी को रेनीरा के हवाले कर देता है। उधर किंग्स लैंडिंग पर अब डैमन बिल्कुल एमंड अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका है क्योंकि उसे सपोर्ट करने वाला अब कोई नहीं है। एलिसेंट भी अब उसे बिट्रे कर रही है, उसकी खुद की माँ उसे बिट्रे कर रही है और एलिसेंट रेनीरा से पनाह मांगने ड्रैगन स्टोन पर आ चुकी है। उधर भाई साहब रेना टारगेरियन सीव स्टेलर ड्रैगन से मिल जाती है और मेकर्स यहाँ बुक के साथ छेड़खानी करना चाहते हैं क्योंकि बुक्स में सीव स्टेलर ड्रैगन को राइडर नेटल्स बास्टर्ड गर्ल होती है और यहाँ मेकर्स रेना टारगेरियन को इसका राइडर बनाना चाहते हैं। और रेना टारगेरियन अगर आपको बता दूं तो डेमन टारगेरियन की 2nd daughter है। एट लास्ट इन दिस एपिसोड वॉर के लिए सब हमें रेडी होते नजर आते हैं, बास्टर्स आर्मर पहन के तैयार हो रहे हैं। उधर जेसन लैनिस्टर अपनी आर्मी और अलाई के साथ हैरन हॉल की तरफ रवाना हो चुका है। स्टार्क्स जिन्हें फर्स्ट एपिसोड में जैकेरिस वैलेरियन को जो प्रॉमिस कराया गया था स्टार्क्स के द्वारा कि 2000 men हमारे आएंगे तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए, वो भी अपने बैनर्स लेकर निकल चुके हैं। टाइलैंड लैनिस्टर उधर ट्रायार्की को मनाने में सफल हुआ और वो भी कमांडर लोहार के साथ 96 के साथ निकल चुका है बैटल ऑफ गलट के लिए, जो कॉर्लिस वैलेरियन की नेवी आर्मी से भिड़ेंगे आगे जाकर सीजन 3 में। उधर हाई टावर आर्मी भी ड्रैगन टसेरियन और डेरन के साथ डेरन टारगेरियन के साथ निकल चुके हैं। अब डेरन टारगेरियन कौन है
तो ये है एलिसेंट हाईटावर की चौथी औलाद और एमन टारगेरियन का सबसे छोटा भाई। और कसम से डेरेन टारगेरियन के लिए वेट है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ सुना है भाई, बहुत तारीफें सुनी है इसकी समझदारी की, इसकी पावरफुल की, मतलब ये हर एक चीज़ में एक्सपर्ट है, अपने भाइयों से कहीं ज़्यादा काबिल है, इस चीज़ के बारे में भी सुना है। तो भाई और ये आगे जाके रेनीरा की भी धज्जियाँ उड़ाएगा, रेनीरा के दांत खट्टे करने वाला है। देन एट लास्ट एवरी सिंगल पर्सन हु सपोर्ट्स ग्रीन्स एंड ब्लैक्स, सभी के सभी वॉर के लिए रेडी और प्रिपेयर हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारा मेकर्स दिल तोड़ के लगभग 2 साल का अलविदा लेते हुए नज़र आता है, बाय बाय करते नज़र आता है, क्योंकि बहुत कुछ आइडिया दे दिया कि भाई जिस चीज़ के लिए तुम वेट कर रहे थे वो सीजन 3 में मिलने वाला है, यानी डांस ऑफ द ड्रैगन्स, ड्रैगन वॉर। और फर्स्ट गलट ऑफ बैटल में ही हमें ड्रैगन वॉर देखने को मिलने वाली है सीजन 3 में, ये स्पॉइलर। तो भाई दैट्स ऑल, ये सारे एपिसोड्स का रिव्यू था, क्विक रिव्यू था, इसमें बहुत कुछ छूटा तो नहीं होगा, मे बी मैंने कोशिश करी है कि बहुत कुछ ना छूटे, हाँ लेकिन एक आध की पॉइंट छूट गए हैं, लाइक डेमन टारगेरियन को बहुत से ऐसे नाइटमेयर आने लग जाते हैं, गंदे बुरे सपने, भाई अपनी माँ के साथ सेक्स करता हुआ सपना भी आया उसे, तो और भी बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें छूट गई हैं। बाकी बाबा हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 अभी तक जिसने नहीं देखा है जाओ देखो भाई, मज़ा आ जाएगा, बहुत दमदार चीज़ है, सॉलिड है, स्वाद आ जाएगा। बाकी दैट्स ऑल, यहाँ तक पहुँच गए तो इसका वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 यहाँ पर ख़त्म होता है, अभी सीजन 3 के बारे में भाई साहब बहुत सी अर्ली प्रिडिक्शंस करनी बाकी हैं, ड्रैगन वॉर कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा वो भी बाकी है, एगोन दी कॉन्करर के लिए भाई मैं बहुत वीडियो में प्रॉमिस कर चुका हूँ, लेकिन कुछ दिनों में ही 2 या 3 दिन के अंदर ही मैं एगोन दी कॉन्करर के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, उसके लिए कुछ ठोस मटेरियल चाहिए बाबा, क्योंकि वो मेन जड़ है वहाँ की, टारगेरियन की मेन जड़ है, और उसे बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करना भाई मैं समझ रहा हूँ कि वो ऑनरेबल काम होगा, क्योंकि अगर मैं ये काम करता हूँ। बाकी आपकी तरफ से और भी क्या मिस हुआ है नीचे ज़रूर बता सकते हो, और इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, तुम्हारी तरफ से क्या है क्या नहीं, कमेंट बॉक्स ओपन है। बाकी और क्या हम डिस्कशन कर सकते हैं, और भी किस चीज़ों के बारे में वीडियो बना सकते हैं जो मुझसे छूट रहा हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।